नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक उगना। आज हम चर्चा करेंगे धनु राशि के जातकों के लिए आने वाले अप्रैल महीने के राशिफल की। चर्चा को शुरू करने से पहले एक बात हम कहना चाहेंगे कि चाहे हमारी मासिक राशिफल की चर्चा हो या फिर ग्रहों के राशि परिवर्तन के नक्षत्र उप नक्षत्रों के ऊपर आधारित रहती है, क्योंकि बिना नक्षत्र उप नक्षत्र को शामिल किए किसी ग्रह के फल की चर्चा दोस्तों नहीं की जा सकती। दूसरी बात, यह पूरी की पूरी चर्चा चाहे मासिक राशिफल की हो या फिर ग्रहों के राशि परिवर्तन की, हमारी लग्न राशि के ऊपर आधारित रहती है पूरी चर्चा, ना कि चंद्र राशि के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि अप्रैल महीने में धनु राशि के लोगों के चार्ट में ग्रहों का गोचर क्या कहता है। चार्ट आपके सामने है दोस्तों। आपके चार्ट में आपके लग्नेश और फोर्थ सुख भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल तक फोर्थ भाव में अपनी ही मीन राशि में गोचर करते हुए बुध के नक्षत्र और राहु गुरु शनि के उप नक्षत्र पर रहेंगे। 22 अप्रैल को अस्त अवस्था में देवगुरु बृहस्पति जो है फिफ्थ यानी कि संतान प्यार मनोरंजन आदि के भाव में प्रवेश करने के बाद सूर्य बुध राहु के साथ युति करेंगे और 30 अप्रैल तक केतु के नक्षत्र पर और केतु शुक्र के उपनक्षत्र पर रहेंगे। इसके बाद आपके चार्ट में सेकंड धन और परिवार भाव, थर्ड हिम्मत साहस प्रयास, इन दोनों भावों के स्वामी शनि जो है अप्रैल महीने में आपके थर्ड भाव में अपनी कुंभ राशि में गोचर करते हुए राहु के शतभिषा नक्षत्र और राहु गुरु और खुद के उपनक्षत्र पर रहेंगे। इसके बाद आपके चार्ट में फिफ्थ संतान प्यार मनोरंजन और ट्वेल्थ विदेश और खर्चों आदि भाव के स्वामी मंगल जो है अप्रैल के पूरे महीने आपके सेवंथ भाव में मिथुन राशि में गोचर करते हुए राहु और गुरु के नक्षत्र पर रहेंगे। इसके बाद दोस्तों आपके चार्ट में सिक्स्थ रोग शत्रु कर्ज और नौकरी आदि का भाव, इलेवंथ लाभ और इच्छा पूर्ति आदि के भाव, इन दोनों भावों के स्वामी शुक्र जो है 6 अप्रैल तक आपके फिफ्थ भाव में मंगल की मेष राशि में राहु बुध के साथ गोचर करते हुए खुद के और सूर्य के नक्षत्र पर रहेंगे। 6 अप्रैल को दोस्तों शुक्र अपना राशि परिवर्तन करते हुए आपके सिक्स्थ भाव में यानी कि अपनी खुद की वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 30 अप्रैल तक सूर्य चंद्र मंगल के नक्षत्र पर रहेंगे। इसके बाद आपके चार्ट में सेवंथ व्यापार पद प्राप्ति और व्यापार शादी, इन दोनों भावों के स्वामी जो हैं बुध बनते हैं और 10th कर्म नेम फेम इस भाव के स्वामी जो हैं बुध बनते हैं, जो कि अप्रैल महीने में आपके फिफ्थ भाव में यानी कि मेष राशि में शुक्र राहु के साथ गोचर करते हुए केतु शुक्र के नक्षत्र पर रहेंगे। 21 अप्रैल को बुध जो है वक्री हो जाएंगे। 23 अप्रैल से महीने के आखिर तक जो है बुध अस्त भी रहेंगे। इसके बाद आपके चार्ट में 8th जीवन में अचानक से होने परिवर्तनों का भाव, डी फेम का भाव, इस भाव के स्वामी चंद्र बनते हैं और 9th भाग्य भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं, जो कि महीने की शुरुआत से 14 अप्रैल तक मीन राशि यानी कि आपके फोर्थ भाव में गुरु के साथ गोचर करते हुए बुध के रेवती नक्षत्र पर रहेंगे। 14 अप्रैल को सूर्य राशि परिवर्तन करते हुए आपके फिफ्थ भाव यानी कि मेष राशि में प्रवेश करेंगे, बुध राहु के साथ युति करेंगे। 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक केतु और शुक्र के नक्षत्र पर रहेंगे। बात करें राहु महाराज की, तो अप्रैल महीने में राहु आपके फिफ्थ भाव में मंगल की मेष राशि में सूर्य बुध शुक्र गुरु के साथ गोचर करते हुए पूरा महीना केतु के नक्षत्र और शनि के उपनक्षत्र पर रहेंगे। और सबसे आखिर में केतु अप्रैल महीने में आपके 11th लाभ और इच्छा पूर्ति आदि के भाव में शुक्र की तुला राशि में गोचर करते हुए दोस्तों राहु के नक्षत्र और शनि गुरु के उपनक्षत्र पर रहेंगे। यानी कि अप्रैल के महीने में बुध मंगल का राशि परिवर्तन होगा। आपका लग्नेश गुरु अप्रैल के पूरे महीने अस्त रहेंगे और बुध जो है वो 23 अप्रैल से लेकर महीने के आखिर तक अस्त रहेंगे और राहु केतु दोनों एक दूसरे के नक्षत्र पर रहेंगे। तो चलिए जानते हैं अप्रैल का महीना धनु राशि के जो जातक है उनकी हेल्थ, फैमिली लाइफ, लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, कैरियर हो, फाइनेंस के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर आप सब दोस्तों से मित्रों से कहना चाहूँगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए और इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए। जो भी वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर केपी या कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के केस स्टडी, जो समय समय पर हम आप दोस्तों के लिए अपलोड करते रहते हैं, आप उन्हें मिस मत करिएगा। और इसी के साथ यदि आपकी भी कोई क्वेरी हो, आप दिए हो इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, फीस दोस्तों एप्लीकेबल रहेगी। तो चलिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि अप्रैल के महीने में धनु राशि के जो जातक उनकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। हेल्थ के दृष्टिकोण से देखा जाए अप्रैल का महीना धनु राशि के लोगों के लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। बेशक इस महीने लग्नेश जो आपके गुरु हैं वो अस्त रहेंगे, लेकिन 22 अप्रैल तक गुरु जो हैं बुध के नक्षत्र पर रहेंगे और बुध फिफ्थ भाव जो कि गुड हेल्थ का भाव है वहाँ विराजमान रहेंगे। 22 अप्रैल से गुरु राशि परिवर्तन करते हुए अपना गोचर आपके फिफ्थ भाव में शुरू करते हुए आपके लग्न को दृष्ट करेंगे और केतु के नक्षत्र पर रहेंगे। केतु 11th भाव में रहने से आप हेल्थ से जुड़ी परेशानियों से खुद को मुक्त पाएंगे। इसके अलावा इस महीने मंगल आपके 7th भाव में गोचर करते हुए आपके लग्न भाव को दृष्ट करते हुए राहु और गुरु के नक्षत्र पर रहने से भी आप अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे और उसी के कारण आपका मन काम में लगेगा। यानी कि कुल मिलाकर अप्रैल का महीना धनु राशि के जो जातक है उनके लिए काफ़ी अनुकूल सिद्ध होने वाला है। बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन के, पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से भी अप्रैल का महीना धनु राशि वालों के लिए अच्छा ही रहेगा। सेकंड परिवार भाव का स्वामी शनि थर्ड भाव में गोचर करते हुए अपने सेकंड भाव को प्रमोट करेगा और इस महीने राहु गुरु और खुद के उपनक्षत्र पर गोचर कर और आपके चार्ट में तीनों की स्थिति अनुकूल रहने के चलते धनु राशि वालों को इस महीने सुख की प्राप्ति होगी।
जिसके चलते पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण रहेगा, परिवार के सदस्यों के बीच अच्छा तालमेल और रिश्तों में मधुरता देखने को मिलेगी। सेवंथ से फिफ्थ और ट्वेल्थ भाव के स्वामी, सेवंथ भाव से मंगल की दृष्टि आप जो है आपके सेकंड भाव जहां उसकी उच्च की राशि पड़ती है वहां पर रहेगी। इसकी वजह से आपको बातचीत करते हुए अपनी वाणी पर, अपने शब्दों पर कंट्रोल रखना होगा। लेकिन फिर भी मंगल इस महीने राहु और गुरु के नक्षत्र पर रहने से धनु राशि वाले अपने परिवार में पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करेंगे। परिवार के सदस्यों के बीच खुशी का माहौल महसूस कर सकते हैं जिससे आपका तन मन को शांति मिलेगी। कुल मिलाकर परिवार के जीवन के दृष्टिकोण से भी अप्रैल का महीना धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए काफ़ी अनुकूल सिद्ध होने वाला है। दोस्तों बात करेंगे आपकी लव लाइफ और शादीशुदा जीवन के बारे में। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी अप्रैल का महीना जो है आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। शुरुआत में फिफ्थ प्यार भाव में राहु बुध शुक्र विराजमान रहेंगे और सेवंथ भाव में मंगल यानी कि अप्रैल महीने में धनु राशि वालों के चार्ट में फिफ्थ प्यार और सेवंथ शादी इन दोनों भावों के स्वामियों का राशि प्रवर्तन रहने से और 12 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति द्वारा राशि प्रवर्तन करते हुए राहु बुध से युति करते हुए धनु राशि के जो लोग लव रिलेशन में हैं वे अपने इस रिश्ते को शादी के बंधन में बदलने के बारे में फैसला ले सकते हैं। यानी कि अप्रैल का महीना लव रिलेशन के लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। बात करें शादीशुदा के जीवन की, फिफ्थ और ट्वेल्थ भाव का स्वामी मंगल इस महीने आपके सेवंथ भाव में गोचर करेगा। फिफ्थ भाव का स्वामी होकर सेवंथ भाव में गोचर करना मंगल के लिए सही है, लेकिन ट्वेल्थ भाव का स्वामी होकर सेवंथ भाव में गोचर करना सही नहीं है। और इस महीने मंगल सेकंड भाव को दृष्ट करते हुए राहु के नक्षत्र पर भी गोचर करेगा, जिसकी वजह से बात करते हुए या बातचीत करते हुए अपने जो जीवन साथी से आपको अपने शब्दों पर कंट्रोल रखना होगा, नहीं तो आपके मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ट्वेल्थ भाव का स्वामी होने से पार्टनर से छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो सकता है। अगर इन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा तो ये बड़ा विवाद पैदा कर सकती हैं। ऐसे में रिश्तों को बरकरार रखने के लिए संयम रखने की आपको बेहद जो है आवश्यकता होगी। फिर भी इस महीने बुध मंगल की राशि प्रवर्तन करने से और मंगल द्वारा इस महीने गुरु के नक्षत्र पर रहने पर और 22 अप्रैल से गुरु द्वारा फिफ्थ भाव में गोचर करते हुए लग्न भाव को दृष्ट करने से आप इन सभी समस्याओं से निजात पाने में सफल भी रहेंगे। तो कुल मिलाकर लव रिलेशन हो या फिर शादीशुदा जीवन, अप्रैल का महीना जो है धनु राशि वालों के लिए काफी अनुकूल सिद्ध होने का वाला है। बात करेंगे आपके कैरियर की। 14 अप्रैल तक सूर्य, 22 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति फोर्थ भाव से टेंथ भाव को दृष्ट करते हुए सेवंथ और टेंथ भाव के स्वामी बुध के नक्षत्र पर गोचर करने के चलते कामकाज में इस महीने शुभ स्थितियों का निर्माण हुआ। आप अपनी मेहनत का लोहा मनवाने में कामयाब रहेंगे, आपके काम में बरकत होगी, लोग आपके काम की तारीफ करेंगे, आपके महत्वपूर्ण कामों में आपके आपसे जो है लोग सलाह लेने आएंगे और आपको अपनी कार्यकुशलता दिखाने का पूरा मौका भी मिलेगा। आप खूब मेहनत करेंगे और जी जान लगाकर अपने काम को बहुत सही समय पर और सही तरीके से निपटाने में कामयाब रहेंगे। यानी कि इस महीने भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। 6 अप्रैल से 6th और 11th भाव के स्वामी शुक्र द्वारा अपना राशि परिवर्तन करते हुए 6th भाव में अपना गोचर शुरू करने से इस दौरान कैरियर के क्षेत्र में आपको अपने साथियों का जहाँ पूरा सहयोग मिलेगा और उनके साथ बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। आपके काम में आपको काफ़ी प्रशंसा और सराहना जो है मिलेगी। 6 अप्रैल से महीने के आखिर तक शुक्र जो है सूर्य चंद्र मंगल के नक्षत्र पर गोचर करने से नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन के भी योग बनेंगे। इसके अलावा आपको नौकरी के नए मौके मिलेंगे और ऐसे मौके आपके कैरियर के लिए फलदायी सिद्ध होंगे। नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने का अवसर भी आपको इस समय मिल सकता है। जो धनु राशि के लोग विदेश में नौकरी करने का विचार कर रहे हैं उनके लिए यह महीना काफ़ी अनुकूल सिद्ध रहेगा। कुछ विरोधी जो है एक्टिव होने का इस महीने प्रयास करेंगे, लेकिन आप अपनी कुशलता से उनको हराने में कामयाब रहेंगे। दोस्तों यदि आप व्यापार करते हैं तो इस महीने आपको व्यापार के सिलसिले में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके संबंध बड़े अधिकारियों से अच्छे रहेंगे और इस महीने आपकी मदद करते हुए नजर आएंगे और उनकी वजह से आप बाजार में अपनी एक अच्छी पोजीशन बनाए रखने में कामयाब रहेंगे। जो लोग सरकारी कामकाज करते हैं वह इस दौरान कुछ सरकारी टेंडर ठेका आदि प्राप्त करने में भी कामयाब रहेंगे, जिससे आपको बढ़िया लाभ प्राप्त होगा। आपका व्यापार जो है उन्नति और तरक्की करेगा। कुल मिलाकर इस महीने व्यापारी पेशा लोगों को अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। वहीं जो लोग शेयर मार्केट से जुड़कर काम करने वाले हैं इस महीने एवरेज से अच्छे परिणाम प्राप्त आपको हो सकते हैं, क्योंकि जहां राहु फिफ्थ भाव में मंगल की मेष राशि में गोचर करते हुए केतु के नक्षत्र और शनि के उप नक्षत्र पर रहेगा, वहीं 14 अप्रैल से सूर्य और 22 अप्रैल से गुरु द्वारा भी अपना गोचर फिफ्थ भाव में शुरू करने से धनु राशि के लोग इस महीने अच्छा मुनाफा बुक करने में कामयाब रह सकते हैं। तो कुल मिलाकर कैरियर के दृष्टिकोण से भी अप्रैल का महीना जो है धनु राशि के लोगों के लिए विशेष शुभ फलदायी सिद्ध होगा। बात करेंगे दोस्तों आपके आर्थिक पक्ष की। आर्थिक रूप से देखा जाए आपके सेकंड धन भाव के स्वामी शनि 3rd भाव में अपनी कुंभ राशि में गोचर करते हुए अपने सेकंड धन भाव को प्रमोट करेंगे।
और 11th लाभ और इच्छा पूर्ति के भाव का स्वामी शुक्र 6 अप्रैल से अपना गोचर 6 भाव में अपनी खुद की राशि में करेंगे और 11th भाव को प्रमोट करेंगे। और 11th भाव में केतु गोचर करते हुए इस महीने राहु के नक्षत्र, शनि और गुरु के उपनक्षत्र पर रहने से आपको अच्छा खासा धन लाभ होने की संभावनाएं बनेगी और यह गोचर आपको आर्थिक तंगी से निजात दिलाने में मददगार सिद्ध होगा। आपके बैंक बैलेंस में जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा जिससे आपकी स्थिति को बल मिलेगा। जो लोग सट्टा बाजारों जैसे कि शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट आदि से जुड़कर काम करते हैं उन्हें इस महीने अचानक से अच्छा रिटर्न मिल सकता है क्योंकि राहु 5वें भाव में स्थित है। आप में से कुछ जातकों को प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से भी अच्छा लाभ मिलने का मौका मिलेगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ मिल सकता है। इस महीने व्यापार से अच्छा मुनाफा होने से भी आपकी आर्थिक स्थिति को बल मिलेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो 6 अप्रैल के बाद आपको कुछ बड़ा लाभ मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं इस महीने आप अपने शौक को पूरा करने के लिए भी धन खर्च करते हुए नजर आ सकते हैं लेकिन इसका आपकी आर्थिक स्थिति पर कोई भी दबाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इस महीने सभी ग्रह आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करते हुए आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए आर्थिक पक्ष के लिहाज से भी अप्रैल का महीना धनु राशि के लोगों के लिए काफी शुभ फल देने वाला सिद्ध होगा दोस्तों। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए चाहे आपकी शादीशुदा लाइफ हो, लव लाइफ हो, आपका आर्थिक पक्ष हो या कैरियर हो या फिर पारिवारिक जीवन हो या आपकी हेल्थ हो, सभी मामलों में अप्रैल का महीना जो है धनु राशि के जो लोग हैं उनके लिए काफी ज्यादा अनुकूल सिद्ध होगा दोस्तों। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी धनु राशि के जातकों के बारे में अप्रैल महीने के मासिक राशि फल की। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने विचार वहां दे सकते हैं। और जल्द ही मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।